में जाओ। हैं? क्या कहा तुमने? हम यहाँ पर पहले से खेल रहे थे ना जियान। हम यहाँ पर अब बेसबॉल खेलेंगे। स्किपिंग तो तुम कहीं भी जाकर कर सकते हो, है ना? ठीक है, गलत बात है। देखो बेसबॉल फील्ड में खेली जाती है, समझ गए जियान? वहाँ पर पहले से ही कोई खेल रहा है। तो हम क्या करें? हम भी तो यहाँ पर पहले से खेल रहे थे ना जियान। हमें बेसबॉल खेलना ही है। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, चले जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? लेट हो गया, मुझे माफ कर दो। हाय जियान। मेरी बात सुनो नोबिता। जियान हमें यहाँ से हटाना चाहता है, जबकि हम यहाँ पहले से खेल रहे थे। उसे यही जगह मिली है खेलने के लिए। वैसे ये गलत बात है ना? हाँ यही तो, जब से मैं भी यही कह रही हूँ। जियान मैं तो। नोबिता तुम घर जा सकते हो, समझे? ऐसा मत कहो जियान मेरे प्यारे दोस्त। देखो नोबिता, हमारा पुराना प्लेयर लौट आया है, इसलिए अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे तुम? सुनियो, ये बहुत गलत बात है। मैं मानता हूँ कि नोबिता बुरा खेलता है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बिना खेले वो नहीं कह सकते कि मेरी वजह से टीम हारी है, और वैसे भी लड़कियाँ पहले से खेल रही थी, समझे तुम? चुप रहो, यहाँ सिर्फ बेसबॉल खेला जाएगा, समझ गए ना तुम लोग? क्या बेसबॉल खेलना यहाँ इतना जरूरी है? हाँ, हम भी तो तुम्हारे साथ बेसबॉल खेलेंगे ना। लड़कियाँ बेसबॉल नहीं खेल सकती हैं। बेसबॉल लड़कियों के बस की बात नहीं है शिजुका। मुझे कम मत समझना, मुझे भी बेसबॉल खेलनी आती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? सही कहा, इनको कम मत समझो, समझे जियान? तो क्यों ना इसका फैसला एक मैच करे। मुझे चैलेंज मंजूर है। तुम क्या कहते हो नोबिता? तुमने ठीक कहा शिजुका। तो फिर आज से 3 दिन बाद यहाँ एक मैच होगा, और अगर तुम्हारी टीम हारी तो यहाँ पर कभी खेलने मत आना, समझे? अगर तुम हारे, मैं चाहता हूँ तुम शिजुका और मुझसे माफ़ी मांगो। सुनियो, क्या बोल रहे हो? सही तो बोला था डोरेमोन, कुछ भी हो सकता है। सबको बुलाओ, चलो टीम बनाते हैं। हम टीम बनाने के लिए तैयार हैं, सुन लिया सबने? हम उन लड़कों को मजा चखा कर रहेंगे, और हम ये विश्वास दिलाते हैं हमें उन लोगों से जीतना ही होगा। वो लड़के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सच में हम उन्हें गेम में हरा देंगे। हमारी लड़कियों में बहुत जोश है, हम शायद ही जीते। हमारा मैच बहुत ही पास है, तो हमें जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ। अच्छा, तो हमें पहले यूनिफॉर्म चाहिए होगी ना नोबिता? बिल्कुल सही कहा तुमने, यूनिफॉर्म का होना जरूरी है। क्या कहा? यूनिफॉर्म। लेकिन सुनो तुम, ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। क्यों शिजुका? लेकिन हमें इसे और सुंदर बनाने के लिए कुछ और करना होगा। हाँ, मुझे ये आइडिया पसंद आया। तैयार हो जाओ। हमने आके डिसाइड कर ही लिया नोबिता। सच में? चलो फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अरे नहीं, वो देखो, मुझे तो बहुत देर हो गई है। हाँ मुझे भी, अभी घर जाना होगा। तो फिर चलते हैं। गई? वो यूनिफॉर्म तो मेन मैच के लिए है ना? मैं नहीं चाहती थी कि ये मैच से पहले गंदी हो जाए। चलो शुरू करते हैं। सुनो सब लोग, पर हमारी टीम का नाम क्या रखें हम लोग? हाँ देखो जियान की टीम की तरह हम आसान सा नाम नहीं रखेंगे, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हम कितने स्मार्ट हैं। प्रेटी गर्ल्स नाम कैसा रहेगा? प्रेटी क्यूट बेहतर रहेगा। हमने डिसाइड कर लिया। सच में? चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। वो देखो कितना लेट हो गया। हाँ मुझे भी, अभी घर।
जाना होगा। तो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। कल प्रैक्टिस करेंगे। आज हमें प्रैक्टिस करनी ही होगी दोस्तों। मैं तुम सब पर खूब मेहनत करूंगा और मैं तुम्हारी खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा। वैसे तो मैं घबराओ मत, मैं तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि तुम जीत जाओगे। चलो चलो जल्दी करो, ये आराम का वक्त नहीं है। बहुत मेहनत कर रहा है, हमें भी बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करनी होगी।
फिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो लड़के बेसबॉल खेलते हैं और जरा उसे देखो, वो तो एकदम रकून की तरह लगता है। मैं कोई रकून नहीं हूँ, समझी? हम लोग यही बैठ के बेसबॉल मैच देखेंगे, ठीक कहा? हाँ। चलो फिर क्यों ना अब हम लोग शुरू करें। डोरेमोन। हाँ ठीक है, कुछ करता हूँ। एस कैप। देखो नोबिता, इस एस कैप को पहनकर तुम बहुत अच्छी तरह से खेल पाओगे। और ये है परफेक्ट कैच ग्लव्स, इन्हें जल्दी से पहन लो जिससे तुम हर बॉल को कैच कर पाओगे। तो ठीक है, तैयार। अच्छा खेलेगा। फिक्र मत करो, बस पूरी कोशिश करो। मैंने तुम्हें जो कैप और ग्लव्स दिए हैं, उनसे तुम बहुत अच्छा खेलोगे। चलो जल्दी करो, हम खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, समझे तुम?
जियान, बस भी करो जियान, मैं तुम्हारी टीम में हूँ।